सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस वीडियो में बात करूंगा बिग बॉस में जो कैप्टनसी का टास्क हुआ था उसके अंदर में कौन था फेयर, कौन था अनफेयर और किसके साथ में खेला गया है 22 गेम। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो कैप्टनसी के लिए दावेदार थे शिव और गौतम, दोनों मिलकर के खड़े हो गए टॉप पे। उनके सर के ऊपर में रखना था वजन। बिग बॉस ने लास्ट सिचुएशन को देखते हुए ये कह दिया कि बिग बॉस के घर का कोई भी सामान, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। आपको जो भी वजन डालना है आप अपने लोगों में का जितना भी हो उतना सब डाल सकते हो। अब उसी चीज को लेकर के जो है सारे जन अड़ पड़े, वो सारे जन मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे और सामान डालना शुरू कर दिए। यहाँ पे गौतम के सर के ऊपर में रखा गया अर्चना का चटनी पीसने वाला सिलवट्टा और उसको डालने के बाद से वाकई गौतम के सर पे वजन तो बढ़ गया था, क्योंकि उससे बहुत ही कम, उसके बनिस्बत बहुत ही कम वजन शिव के ऊपर में था। अब अगर बॉडी के हिसाब से जाएंगे तो शिव एकदम तगड़ा सा है। उसके सर पे जो भी चीजें रखी जा रही थी वो कपड़ा था, डब्बा था, मतलब वे प्रोटीन का जो डब्बा होता है वो था। इसके अलावा एक दो बैग थे, छोटे छोटे जो पर्स होते वो थे। हाँ, कुछ लड़कियों ने दिमाग चला करके जो है अपने ज्वेलरी के जो छोटे छोटे किट होते हैं वो डाल दिए, जो कि वजनदार होता है। अब ये डालने के बाद से जो है इसने दिमाग लगाया और शिव ने घुसने से ही पहले ये कह दिया था कि अगर मैं वहां पे जाता हूं तो मेरे इसमें से निकाल निकाल के फेंकते भी रहना ताकि जो है मैं बैलेंस कर पाऊं। अब वो चीज तो हो नहीं रहा था, तो शिव ने लिटरली, जहां तक मैंने देखा है, शिव ने लिटरली अपने गमले में से जो है सामान हाथ से ऐसे ऐसे फेंक रहा था। अब उसी चीज को लेकर के निमृत ने कह दिया तो भाई पूरी तरह से बवाल मच गया कि वो बायस्ड है। और वहीं पे गौतम के सर के ऊपर में जो सिलवट्टा था वाकई उसके वजह से जो है वजन बढ़ गया था। और उसके बाद में जो भी कपड़े रखे गए वो सभी हेवी कपड़े थे, मतलब यूं कह लो कि जो लड़कियों का बहुत ही हेवी कपड़ा होता है वो सारे कपड़े रखे गए थे और उसका गर्दन टेढ़ा होने लग गया था। अब देखो, एक चीज तो मैं मानता हूं बॉडी बिल्डर होना एक अलग चीज है, लेकिन सर पे बोझा रखना और अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में उस प्रेशर को झेल पाना ये दोनों अलग अलग चीज है। दैट डजंट मीन कि आप बॉडी बिल्डर हो तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में, यानी आपके हेड और आपके जो पीठ के बीच का जो एक रीढ़ की हड्डी होती है वो उस प्रेशर को झेल पाए। अब भाई उसके वजह से उसका गर्दन टेढ़ा होना तो बनता था, लेकिन शिव भाई साहब द मराठी मानस उतरने के बाद ही, जैसे ही वो उतरे उसके वजह से बोले कि ये पूरा का पूरा गेम जो है बायस चल रहा था। मुझे तो किसी हिसाब से बायस नहीं लग रहा था भाई, आप अच्छे खासे तगड़े इंसान थे, चीटिंग एक बार नहीं दो दो बार किया, कभी पीछे गिरा रहे थे कभी लेफ्ट राइट से गिरा रहे थे। और उसके बाद से भाई साहब ने सुंबल को एक बहुत ही तगड़ा सा लाइन मारा कि जा तू जा करके शालिन के पीछे में दौड़, उसके पीछे पीछे जा, यहाँ पे मत बता। जबकि उसने खुद बोला था कि मैं हाथ से फेंक दूं क्या, और उसके बाद से उसने गुस्से में या फिर पता नहीं किस अंदाज में बोला था पर कह दिया था हाँ ठीक है फेंक फेंक दे। अब उस अंदाज के वजह से, उस टोन के वजह से शायद उसको गुस्सा आया, उसके बाद से उसने बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट किया। बट मुझे नहीं लगता कि उसने गाली दिया है, क्योंकि वो गाली तो नहीं दिया था जहां तक मैंने देखा। आप बताओ क्या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया? और ये कैप्टनसी का जो टास्क था, जो निमृत ने फैसला सुनाया गौतम को जो विनर साबित किया, क्या वो सही थी या गलत? मेरे हिसाब से निमृत वॉज राइट, निमृत ने पूरे तरीके से चीटिंग को पकड़ा और उसने डिस्क्वालीफाई किया, तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा था वो कैप्टनसी का टास्क। एज अ संचालक शी वॉज फेयर। What's your take? Please do comment. आपने देखा है तो आप बताओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और भी बिग बॉस के अपडेट के साथ में, एंड इंडियन आइडल का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूं जल्द ही। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।